नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है यश जाट और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आइसर के 380 ट्रैक्टर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि ट्रैक्टर से जुड़ी तमाम जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये आइसर का 380 मॉडल है और 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है और 2500 इसकी सीसी है। और यहाँ पर हम डीजल टैंक की बात करें तो 48 लीटर का डीजल टैंक आता है और ये जो ट्रैक्टर है वाटर कूल्ड ट्रैक्टर है। यदि हम इसके फ्रंट टायर की बात करें तो कंपनी इसके अंदर 6/16 के फ्रंट टायर देती है। पिछले जो रियर टायर है वो 13/6/28 के आपको इसमें मिलेंगे। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो एयर क्लीनर है आइलबॉट टाइप का एयर क्लीनर इसमें कंपनी आपको देती है। आइसर 380 में जो रेटेड आरपीएम आपको मिलेंगे वो 2150 मिलेंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको ऊपर से इसके बारे में और अधिक जानकारी देता हूँ। दोस्तों यहाँ हम ऊपर आते हैं तो इसकी जो स्टीयरिंग है आपको पावर और मैकेनिकल दोनों ही कंपनी उपलब्ध करवाती है। क्लच इसमें ड्यूअल और सिंगल दोनों ही मिल जाएगी। यदि हम इसके गियर की बात करें तो कंपनी 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर आपको उपलब्ध करवाती है। ब्रेक इसके ड्राई और आयल एम्ब्रेस्ट दोनों ही कंपनी आपको उपलब्ध करवाती है। यहाँ पर ये पीटीओ लीवर कंपनी ने दिया हुआ है। सीट आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। आरामदायक सीट आपको कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर उपलब्ध करवाती है। चलिए दोस्तों हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं और इसकी लिफ्ट कैपेसिटी और पीटीओ के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आप इसको देखते हैं पीछे से। तो यहाँ सीट के पीछे दोस्तों एक पानी की बोतल रखने की जगह आपको मिल जाएगी, 2-2.5 लीटर पानी आ जाएगा। और यहाँ पर एक पॉकेट दिया हुआ छोटा सा, इसमें आप मोबाइल रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो ये मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ अपना मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और दोनों ही मरगार्ड के बीच में पाइप दिया हुआ है जो कि मरगार्ड की सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा दिया है। और यहाँ पर बात करेंगे इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की तो कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर 1750 kg की लिफ्ट कैपेसिटी देती है। ब्रेक इसके आइलो एम्ब्रेस्ट आपको मिलेंगे और पीटीओ जो है 540 मल्टी स्पीड पीटीओ इसके अंदर देती है। बाकी का जो हिस्सा है काफ़ी मजबूत कंपनी बनाया हुआ है यहाँ देखने में दिख रहा है। और यह जो ट्रैक्टर है 380 काफ़ी ज़्यादा किसान भाई इसको पसंद करते हैं। 41 HP की कैटेगरी वाला यह ट्रैक्टर है। 13/6/28 के पिछले टायर है। बैटरी लुक स्टाइलिश है। चलिए अब हम इसकी जो कीमत है उसको बता दें। उससे पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो पंप आता है वो माइको का पंप आता है, बॉस का, और इनलाइन पंप इसमें आता है। इसकी जो कीमत शुरू होती है 5.5 लाख से शुरुआत होती है। और दोस्तों इसके बारे में बाकी अधिक जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, वहाँ मैंने डाल दी है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।